हेलो नमस्कार भाई, नमस्कार। मैं आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों की सेवा हम निरंतर जारी रखेंगे, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं DPI की ओर से। और PD खेरवा जी ने भी स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर जारी रहेंगी, इनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सत्र 24-25 में भी अतिथि शिक्षक नए सत्र में रखे जाएंगे। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, से अपडेट पाएं। 5 अप्रैल 2024 की खबर है। अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर जारी रखते ही विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा PD खैरवार। मंडला की खबर, जल्द ही होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। ड्यूटी के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा लेने की तैयारी तो दूसरी तरफ स्कूलों में बाहर करने की चर्चा। ऐसे में हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य का वर्तमान भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। अतिथि शिक्षकों के प्रति सरकार के दोहरे रवैये से शोषण की स्पष्ट बू आती है। उनके अधिकारियों का भी हनन समझ में आता है। सरकार से मांग की जाती कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं सत्र 24-25 के लिए निरंतर जारी रखने, चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड बनाने में सरकार कसर अभी भी नहीं छोड़ रही है। वैसे भी 17 वर्षों से मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में सेवा देते अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं और अब तक भी रेगुलर नहीं किए जा सके। सैकड़ों अतिथि शिक्षक तो मृत्यु भी हो चुकी है। अब तो अधिक उम्र हो जाने के कारण भी इस काम के अलावा अन्य काम कर पाने में असमर्थ है अतिथि शिक्षक। बावजूद सरकार उनकी एक भी मांग को अब तक पूरा नहीं कर पा रही है। जानकारी के अनुसार अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी अप्रैल से मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में लगाने की तैयारी जोरों पर है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरह से ड्यूटी पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षण सत्र 2023-24 समाप्त होते ही 31 मार्च से अतिथि शिक्षकों को स्कूल से बाहर किए जाने की भी चर्चा विद्यालय संस्था प्रधानों के द्वारा गुपचुप जारी है। कुछ जिलों के कुछ संस्था प्रधानों के द्वारा तो बाहर किए जाने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। आखिर मंडला जिले में अब तक मौखिक जानकारी ही आ रही है। सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की हाजिरी शिक्षक रजिस्टर में नहीं बल्कि अन्य रजिस्टर में लिए जाने की बात संस्था प्रचारियों के द्वारा की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि शासन स्तर से आदेश प्राप्त होने पर ही अप्रैल का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आदेश नहीं आ पाने की स्थिति में अतिथि शिक्षक अप्रैल के मानदेय की मांग नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया जाता है तो अतिथि शिक्षक परिवार उसका विरोध करता है। ऐसे में 1 अप्रैल से बाहर किए हुए अतिथि शिक्षक 19 अप्रैल से होने वाले लोकसभा चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी की ड्यूटी किस आधार पर कराई जाएगी, यह अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा सवाल है। या फिर अतिथि शिक्षकों को सरकार बहुत बड़ा मजाक या विषय बना चुकी है। अतिथि शिक्षकों को इस तरह शोषण खुले आम शासन प्रशासन की मिली भगत से लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार से मांग की जा रही कि अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगाई जाए एवं निर्णय का अतिथि शिक्षक परिवार स्वागत करता है, परंतु शिक्षण सत्र 2024 के कार्यकाल के लिए सेवाएं भी निरंतर जारी रखी जाए। साथ ही किसी भी कारण से बाहर कर दिया गया है अतिथि शिक्षकों को शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए स्कूलों में आमंत्रित किया जाए। जैसे ही सर्वविदित है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 सितंबर 2023 को शासकीय खर्चे पर भोपाल में पंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों के हित में तमाम घोषणा की जा चुकी है, जिससे प्रभावित होकर प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक परिवार उनके संपर्क वालों ने सत्ता पक्ष का समर्थन किया था, जो अतिथि शिक्षकों के लिए कोई काम की घोषणा नहीं की जा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है।